वीडियो को देखने वाले सारे बच्चों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम क्लास फिफ्थ की हिंदी का चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो फ्रांस में एक लेडी थी जिनको बचपन में ही ईश्वर से यह आदेश मिला था कि वो अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराएं, और बड़े होने के बाद उन्होंने ऐसा किया भी। तो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं, कल हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट रह गई थी, तो आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बहुत इजी होती है एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग भी होती है। जॉन को ईश्वर की ओर से मिला, अभी अभी मैंने बताया जॉन को ईश्वर की ओर से क्या मिला, आदेश मिला, सुझाव मिला या पत्र मिला। पत्र तो नहीं देंगे ना ईश्वर, सुझाव भी नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमसे बहुत बड़े हैं तो वो तो हमें डायरेक्ट क्या देंगे, आदेश देंगे ना, ऑर्डर देंगे। सुझाव तो हम उन लोगों को देते हैं ना जिनकी मर्जी होती है, वो हमारे सुझाव को माने या ना माने। तो आदेश होता है ऑर्डर और सुझाव होता है सजेशन। तो ईश्वर हमें सजेशन नहीं देते हैं, ईश्वर हमें क्या देते हैं, ईश्वर हमें सुझाव देते हैं। इसका सही आंसर क्या है, सॉरी आदेश देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, आदेश। ठीक है, जॉन आर्लिंस को जीतना चाहती थी। हाँ, आर्लिंस जो है वो एक भाग था किसका, कौन से देश का, फ्रांस का। तो जॉन आर्लिंस को जीतना चाहती थी फ्रांसीसियों से, नहीं तो आर्लिंस तो खुद ही फ्रांस में था, जर्मनों से, जर्मनी, जर्मन के लोगों की तो कोई बात ही नहीं की गई है इसमें, या अंग्रेजों से। हाँ, तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों से। अंग्रेजों के राजा थे हेनरी पंचम, उन्होंने किया क्या किया था, फ्रांस के राजा जो कि डॉल्फिन चार्ल्स से, उनको अपदस्थ करके फ्रांस के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो जॉन उसको अंग्रेजों से वापस लेना चाहती थी, और जो राजा थे उनके डॉल्फिन चार्ल्स, उनको उनका राज्य वापस करना चाहती थी। ठीक है, पाठ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम दीजिए। देखिए, हेडिंग तो हम पढ़ लेते हैं, और जो बच्चे जल्दबाजी में काम करते हैं उनसे अक्सर ये भूल हो जाती है कि वो हेडिंग को पूरी तरह से समझते ही नहीं है और बस करना चालू कर देते हैं। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने बस इसको पढ़ लिया और समझा ही नहीं, तो आप क्या समझेंगे कि ये एक लाइन लिखी हुई है और यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो जस्ट आपको क्या करना है, क्रॉस या टिक लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जॉन ने चार्ल्स से कहा कि उसे अपनी गद्दी संभाल लेनी चाहिए, यस, तो आप इस पे टिक लगा देंगे। जॉन से धर्म गुरुओं ने पूछताछ की, तो आप इस पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ हमें टिक नहीं लगाने हैं, बॉक्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पर क्रॉस या फिर राइट का मार्क लगाना है। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पाठ के आधार पर हमें घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। सही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है आपको, कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, और देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं हम, जॉन ने चार्ल्स से कहा कि उसे अपनी गद्दी संभाल लेनी चाहिए, बिल्कुल कहा तो था, अब कब कहा था ये हम सारे सेंटेंस पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा। और जॉन से धर्मगुरुओं ने भी पूछताछ की थी, बिल्कुल की थी, तो आगे के सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे ऑर्डर में लगाते हैं। ओके, तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, जॉन को ईश्वरीय आदेश मिला था। हाँ, ये भी बात ठीक है, जॉन की माँ ने उसे कताई करना और बुनाई करना सिखाया था, ये भी बात ठीक है, और जॉन के भाई भी उससे आ मिले, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले, जब जॉन छोटी थी तो उनकी माँ ने उनको क्या सिखाया था, कताई और बुनाई। कताई और बुनाई दोनों एक ही काम से रिलेटेड वर्ड हैं, तो जो कातने या कताई करने का मतलब होता है वो होता है धागे को कातना। धागा जिससे हम कपड़े बनाते हैं उसकी कताई की जाती है, और उसके बाद फिर उससे कपड़े की बुनाई की जाती है। तो पहले के लोग अपने घरों में खुद ही धागे को काटते थे और बुनते भी थे, तो ये जनरल काम होता था पहले, चाहे भारत में और चाहे फ्रांस में। तो सबसे पहले यही काम हुआ कि जॉन की माँ ने उन्हें कताई बुनाई सिखाई। ठीक है, उसके बाद जॉन जब बड़ी हुई तो जॉन को ईश्वरीय आदेश मिला। तो जॉन को ईश्वरीय आदेश मिला कि तुमको क्या करना है, फ्रांस को अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी है। ठीक,
जब जॉन को ईश्वरीय आदेश मिला तो जॉन किसके पास गई? राजा के पास गई और राजा से क्या कहा कि आपको राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए। तो जो हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था वो हमारे पास आ जाएगा थर्ड रैंक पर। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या हुआ, राजा ने उनको धर्मगुरुओं के पास भेज दिया कि धर्मगुरु जाकर उनकी जॉन की परीक्षा लें पहले कि जॉन जो बोल रही हैं वो ठीक बोल रही हैं कि नहीं। तो जॉन से धर्मगुरुओं ने पूछताछ की, तो चौथे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। जब धर्मगुरुओं ने उनको पास कर दिया कि हाँ जॉन जो भी कह रही हैं वो सच कह रही हैं, तो उसके बाद जॉन के जो भाई थे पियरे और जीन वो भी जॉन के साथ आकर मिल गए। तो इस तरह से ये हमारा क्रम पूरा हो गया। तो पहला सेंटेंस ये है, उसके बाद ग है, उसके बाद पीछे हमने जो देखा था क है, उसके बाद ख है और उसके बाद इंगा है। तो ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर और ये कहानी हो गई यहाँ पर पूरी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न के उत्तर हमें थोड़े से विस्तृत तरीके से देने हैं, मतलब पूरा इसमें अच्छे से वर्णन करना है कि उत्तर सही क्या है। जॉन ने बचपन में ही अपने माँ से क्या सीखा? अभी अभी हम पढ़ कर चुके हैं कि जॉन ने बचपन में ही अपनी माँ से कताई करना और बुनाई करना सीखा और साथ में एक और चीज सीखी, ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर पर भरोसा करना। क्योंकि जो जॉन की माँ थी वो एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी, ईश्वर में उनकी अपार श्रद्धा थी। तो ये सारी बातें जॉन ने अपनी माँ से सीखी। तो हम ये जब लिखेंगे तो इन सारी बातों को लिखेंगे। फ्रांस की जनता ने किसके खिलाफ विद्रोह किया और क्यों किया? ये भी हम जानते हैं कि फ्रांस की जनता ने किसके खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और कौन से राजा के खिलाफ विद्रोह किया? हेनरी पंचम के खिलाफ विद्रोह किया। और क्यों किया? क्योंकि हेनरी पंचम ने उनके राजा डॉल्फिन चार्ल्स को अपदस्थ कर दिया था, इसलिए। जॉन ने डॉल्फिन चार्ल्स को परमात्मा के आदेश के बारे में क्या बताया? जॉन ने डॉल्फिन चार्ल्स को परमात्मा के आदेश के बारे में क्या बताया? तो जब जॉन थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने मम्मी और पापा से कहा कि वो फ्रांस के राजा डॉल्फिन चार्ल्स से मिलना चाहती हैं। तो वो चली गई मिलने के लिए और जब वो चार्ल्स के पास पहुंची तो उन्होंने चार्ल्स से कहा कि मुझे परमात्मा ने आदेश दिया है कि मैं आपको आपका छीना हुआ राज्य वापस दिलाऊं। तो ये उन्होंने अपने आदेश के बारे में बताया। अच्छा, तलवार के संबंध में जॉन ने क्या कहा? तो जब ये डिसाइड हो गया कि जॉन अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगी तो डॉल्फिन चार्ल्स ने उनको अपनी सेना दे दी कि जाओ लड़ो युद्ध। अब सेना तो तैयार हो गई, अब प्रश्न ये उठा कि जॉन किस हथियार से युद्ध लड़ेंगी? जॉन को भी तो युद्ध लड़ने के लिए कोई हथियार चाहिए ना। तो जॉन ने कहा कि मुझे तलवार चाहिए। तो अब बात यह आई कि जॉन की तलवार कहाँ से आएगी, कि वो स्पेशल तलवार होगी? तो जॉन ने कहा कि उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी तलवार तो ऑलरेडी कहाँ रखी हुई है? कहाँ रखी हुई है? सेंट कैथरीन के चर्च में रखी हुई है। तो जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो वास्तव में तलवार वहीं मिली। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब तलवार वहीं मिली तो उनको ये भरोसा भी हो गया कि जॉन जो भी कह रही है सच है। इसका मतलब जॉन को वाकई में ईश्वर का कोई आदेश मिला है। तो ये है इनके उत्तर। तो उत्तर लिखना केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, उत्तर लिखते समय मजा आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे उत्तर ऐसे हों कि केवल उत्तरों को पढ़कर ही, अगर किसी ने पाठ को नहीं भी पढ़ा है तो भी उसे बात पूरी समझ में आ जाए, उसको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या होगा। तो स्पष्टता होनी चाहिए, चाहे हम बोलें उसमें भी, चाहे हम लिखें उसमें भी। छोटी उम्र से ही अगर हम ये कोशिश करेंगे तो इसमें हम बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो नंबर लाने वाली पढ़ाई हम लोगों को नहीं करनी है, सीखने वाली पढ़ाई हमें करनी है। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन लेते हैं। भाषा की बात इजी है इसलिए। आ उपसर्ग लगने से शब्द विलोम बन जाता है ना। जैसे अभी चैप्टर में आया था मैंने, तब आपको समझाया था ना, पदस्थ में आ लगा दिया तो ये हो गया जो पदस्थ नहीं है, मतलब जिसके पास पद नहीं है। तो अगर हम किसी शब्द में अ उपसर्ग की भांति लगा देते हैं तो वो उसका विलोम बन जाता है। जैसे चल, जो चल सकता है, और अचल, जो नहीं चल सकता है ना। जैसे पर्वत को कहते हैं अचल पर्वत,
क्यों कहते हैं अचल पर्वत? क्योंकि पर्वत खड़ा हो सकता है एक जगह पर लेकिन चल नहीं सकता है। तो इस तरह से आप आ लगा दो, विलोम बन जाता है। सबका नहीं है, कुछ कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं, पर हाँ बहुत सारे शब्द आ लगाने से बन जाते हैं विलोम। अब देखो जैसे साधारण, अब देखो जब हम जल्दबाजी में बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं? साधारण साधारण। अब जब हम साधारण बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? साधारण ही लिख देते हैं, जबकि सही शब्द क्या है? साधारण साधारण, सामान्य सा। अब इसमें अगर हम आ लगा दें तो विलोम बन जाएगा असाधारण असाधारण, है ना। सफलता आ लगा दीजिए क्या बन जाएगा? फेलियर मतलब असफलता। सीमित लिमिटेड आ लगा दीजिए असीमित अनलिमिटेड। विश्वास, इसमें दोनों वाक कैसे हैं? वन वाले हैं, बकरी वाला कोई भी नहीं है। आ लगा दीजिए अविश्वास। दृश्य, सीन या कोई साइट, या हम कह सकते हैं जो चीज आप देख सकें, दृश्य विजिबल, इसमें आ लगा दीजिए तो ये बन जाएगा अदृश्य इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। स्पष्ट, तो इसमें आ लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अस्पष्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम अ उपसर्ग लगाकर अनेकों शब्द बना सकते हैं। चैप्टर में भी बहुत सारे अ उपसर्ग वाले शब्द आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक तो अभी हमने सुना ही था अपदस्थ। और सोचिएगा और कितने अ उपसर्ग लगाकर हम शब्दों को जानते हैं, कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। ठीक, एक बच्चा कम से कम 10 शब्दों को लिखने की कोशिश जरूर करेगा। 10 में से 7 तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, बाकी आप 2-3 और अपनी तरफ से सोचिए। ठीक है, अगला चलते हैं। रा के तीनों रूपों का उचित स्थान पर प्रयोग करके शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रा के तीनों रूप क्या होते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा था तो भूल गए हो, रिवाइज करवा देती हूँ। देखो रा की 3 मात्राएं होती हैं, र रेफ की मात्रा, र पदेन की मात्रा और रि ऋषि की मात्रा। ठीक है, तो र रेफ की मात्रा ऊपर लगती है, पदेन की मात्रा नीचे लगती है, और ऋषि की मात्रा में हम क्या करते हैं? ट टमाटर बना देते हैं, नीचे लगाते हैं मात्रा को। अब देखो जैसे ये लिखा है डामा, अब इसमें हमें र की मात्रा लगानी है, तो हमारा हो गया ये ड्रामा। अब ये कौन सी मात्रा है? र पदेन की। अब ये लिखा है धुब, यहाँ पे हम इसमें र पदेन की मात्रा इस तरह से लगा दें तो ये बन जाएगा ध्रुव। अब ये लिखा है दुर्योधन, ये आपने सुना है ये शब्द, अभी महाभारत चल रही है टीवी पर सुना होगा। क्या शब्द था? दुर्योधन दुर्योधन। तो यहाँ पर र आ रहा है, तो यहाँ पर र की मात्रा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, र रेफ बन जाएगी, शब्द बन जाएगा दुर्योधन। अब देखो ये कम, कम में कौन सी मात्रा लगाएं कि र की मात्रा लग जाए और शब्द भी बन जाए? तो यहां लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्रम। एक और तरीका है लिखने का कि अगर हम का लिख दें और माँ लिख दें और माँ पर र रेफ की मात्रा चढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा? कर्म। अब ये देखिए पाथना, पाथना से शब्द क्या बनेगा? यहाँ हमने पदेन की मात्रा लगा दी प्रार्थना, और यहाँ र रेफ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? प्रार्थना प्रार्थना। ठीक है, अब ये है आपका टेन, तो टेन से क्या बनेगा? ट्रेन, तो हमने यहाँ पर रा रेफ की मात्रा लगा दी, ये बन गया आपका ड्रामा। ये ध्रुव, ध्रुव तारे का नाम सुना है आपने, वही वाला ध्रुव। दुर्योधन, क्रम, प्रार्थना और ट्रेन। तो ये थी आपकी व्याकरण की एक्सरसाइज। चैप्टर कैसा लगा आपको, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। मुझे तो पढ़ाने में भी मजा आया और पढ़ने में भी मजा आया, और जॉन ऑफ आर्क का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। ठीक, कल हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।